हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट अल्टमैन जेड स्कोर एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच दैट इज 2 लाख, 12% preference share capital of ₹100 each that is 1 lakh, fixed asset 3 lakh, current asset 2 lakh, fictitious assets 25,000, current liabilities 1 lakh, 10% debentures 2 lakh, general reserve 75,000, profit and loss that is credit balance 50,000, sales 10 lakh, earning before tax is 1,30,000, interest on debenture 20,000, market value of each equity share ₹15, market value of preference share that is ₹150. So this is the question. In earlier 3 questions, the value of x1, x2, x3, x4 and x5 were given ready-made, but in this question they have not given the ready-made values. So we have to calculate x1, x2, x3, x4 and x5. अभी आपको पता है कि दो मॉडल है, 1968 मॉडल एंड 1983 मॉडल, बट इधर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस बोला है। सो मार्केट वैल्यू का मतलब इधर कौन सा मॉडल आएगा, 1968 मॉडल। अगर बुक वैल्यू रहता तो 1983 मॉडल आता। अभी 1968 मॉडल के अकॉर्डिंगली जो भी फार्मूलाज है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके x1, x2, x3, x4 एंड x5 का वैल्यू निकाल के बाद में z का वैल्यू निकालेंगे। तो x1 का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी क्वेश्चन में करंट असेट हमको दिया है 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1 लाख, मतलब वर्किंग कैपिटल आएगा 1 लाख। सी करंट असेट्स है 2 लाख माइनस जो भी करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, वर्किंग कैपिटल आया 1 लाख। सो वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, जो भी टोटल असेट है वो। अभी पहले स्टार्टिंग से देखने का क्या क्या असेट्स है। इधर है कैपिटल, कैपिटल मतलब वो नहीं आएगा, फिक्स असेट दैट इज 3 लाख प्लस करंट असेट्स दैट इज 2 लाख, टोटल असेट बोला है, जो भी असेट दिखेगा वो लेना है। अभी इधर फिक्टिशियस असेट है, फिक्टिशियस असेट ये रियल असेट नहीं होता, वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, तो ये असेट में नहीं आएगा। असेट के टोटल में क्या क्या आया, फिक्स असेट आया, करंट असेट आया, फिक्टिशियस असेट नहीं आएगा, बाकी सब तो अदर डिटेल्स है, असेट नहीं है। सो टोटल असेट आया 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, योर आंसर विल बी 0.2। अभी नेक्स्ट x2 का वैल्यू, x2 इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल असेट। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी के पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अभी चेक करते कि रिटेन अर्निंग किधर दिया है, ये तो कैपिटल है, असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है। सी जनरल रिजर्व 75,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो भी रिटेन अर्निंग में आएगा। अगर इधर डेबिट बैलेंस रहता तो फिर वो एक्यूमुलेटेड लॉस होता, वो हम लोग नहीं लेते, लेकिन इधर क्रेडिट है मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब ये रिटेन अर्निंग है। तो रिटेन अर्निंग के लिए जनरल रिजर्व 75,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दैट इज 50,000 माइनस जो भी फिक्टिशियस असेट्स है वो दैट इज 25,000। रिटेन अर्निंग का प्योर मतलब ये होता है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो उसमें से लॉस माइनस करने के बाद, तो आंसर आया 1 लाख। अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है कि क्या किया है तो फिर इधर जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज क्रेडिट माइनस फिक्टिशियस असेट्स, आप ऐसे लिख के रख सकते हो, तो आंसर आया 1 लाख। रिटेन अर्निंग का आंसर आया 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल असेट दैट इज 5 लाख।
इधर आपका आंसर आया 0.2। अभी नेक्स्ट है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में देखना है कि किधर EBIT दिया है क्या। सी, अर्निंग बिफोर टैक्स 130,000 दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000 दिया है। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब EBT दिया है, EBIT नहीं दिया है, तो फिर वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी, EBIT के लिए हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट करने के बाद EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स रहता है। अभी EBT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, वो है 130,000। EBT 130,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 20,000, तो इंटरेस्ट के आगे 20,000 लिख देते हैं। अभी इधर माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट डाला। सी, अगर नॉर्मली हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर इधर का जो भी वैल्यू रहता है उसमें से ये माइनस किया होता, लेकिन अभी हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब 130,000 में से 20,000 माइनस नहीं होगा, वो प्लस होगा क्योंकि हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। सो 130,000 प्लस 20,000 दैट इज 150,000, ये आपका EBIT आ गया। सिंपल है, EBIT कैसे निकालते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट निकालने के बाद EBIT आता है। EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटरेस्ट भी दिया हुआ था। अभी हम लोग रिवर्स मतलब ऊपर जाके ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर ऊपर जाना है मतलब 130,000 में 20,000 ऐड होगा, माइनस नहीं करना है, ऐड करना है क्योंकि हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। तो आंसर आया 150,000। तो हम लोग ने EBIT का वैल्यू निकाला 150,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट, तो आपको पता है 5,00,000 है, तो जो भी है वो आंसर कैलकुलेट करना है। तो आंसर इज 0.3। इधर तीन वैल्यू निकाला, x1, x2 एंड x3। अभी नेक्स्ट इज x4। x4 का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। अभी सी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये क्या है, पर शेयर का दिया है, हम लोग को पूरे फर्म का चाहिए, पूरे कंपनी का चाहिए, तो फिर उसके लिए हम लोग ने एक वर्किंग नोट बनाया। पहले तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी ₹15 दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, वो करने के बाद वैल्यू आ जाएगा। तो फिर पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,00,000, ये कैपिटल है, डिवाइडेड बाय जो भी उसका पर यूनिट का मतलब पर शेयर का वैल्यू है ना ₹10, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा, मतलब शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय उसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स आया 20,000। वैसे ही प्रेफरेंस का निकालेंगे, प्रेफरेंस का कैपिटल सिंपली कितना दिया है 1,00,000, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है पर शेयर का वैल्यू दैट इज 100, क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में दिया है ना वो, मतलब ये कैपिटल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा, ये कैपिटल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा। सो इधर नंबर ऑफ़ शेयर्स आया 1,000। अभी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। सी, इक्विटी का नंबर ऑफ़ शेयर्स है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में जो मार्केट वैल्यू दिया है वो दैट इज 15, तो आपका आंसर आएगा 3,00,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 3,00,000। अभी प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स है 1,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू इज 150, तो आपका आंसर आएगा 1,50,000। सो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस इज रेडी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोग ने निकाला 3,00,000 प्लस प्रेफरेंस का निकाला 1,50,000, द होल इज डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। डेट का मतलब होता है लाइबिलिटीज, जो भी हमारा लाइबिलिटीज है वो। सी,
ये तो कैपिटल है वो हो गया, ये तो असेट है। फिक्टिशियस असेट भी असेट साइड पे आता है, लायबिलिटी साइड पे नहीं आता है। अभी डेट मतलब लायबिलिटीज़ देखना है, करंट लायबिलिटीज़ ये हमारे काम की चीज़ है। सो करंट लायबिलिटीज़ इज़ 1 लाख प्लस 10% डिबेंचर्स दैट इज़ 2 लाख प्लस। अभी जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस वो सब तो कुछ नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटीज़ एंड 10% डिबेंचर ये दोनों लायबिलिटीज़ है हमारे कंपनी के, तो उसका टोटल आया 3 लाख। सो इधर ये दोनों को 3 लाख से डिवाइड करेंगे, तो अभी 3 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख करने के बाद 1.5, योर आंसर इज 1.5। अभी नेक्स्ट वैल्यू इज X5 इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अभी क्वेश्चन में तो सेल्स रेडीमेड दिया हुआ है, दैट इज 10 लाख एंड टोटल असेट अपना है 5 लाख। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, योर आंसर विल बी 2। अभी ये सब वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और जो भी है वो आंसर निकालेंगे। सी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय X1 का वैल्यू दैट इज 0.2 प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाय X2 का वैल्यू दैट इज 0.2 प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाय X3 का वैल्यू 0.3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय X4 का वैल्यू 1.5 प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाय X5 का वैल्यू दैट इज 2। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो इधर हम लोग ने इसका वैल्यू जो भी है वो कैलकुलेट करके निकाला। अभी इन सब का टोटल आता है 4.41, मतलब आपके जेड का वैल्यू आया 4.41। अभी जेड का वैल्यू आया 4.41, ये ज़्यादा है 2.99 से, दिस इज़ ग्रेटर देन 2.99, मतलब कंपनी नॉन फेल कंपनी है, सेफ जोन में है। सो इधर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।